राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं देखो आपको ये आराम तय 6 महीने तक लेकर 1.5-2 साल तक का बच्चा का आराम तय जाएगी। ये कोटी इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने 6 महीने तक लेकर 1 साल तक का बता रखा है। वो थोड़ी सी गलती होगी, ये 2 साल तक का बच्चा का आराम तय जाएगा। यहाँ नीचे डाल रखे हैं 6 अंतर फंदे और ऊपर बढ़ाई नहीं है। 10 नंबर की सिलाई तय बॉर्डर बनाया, 10 नंबर की सिलाई तय ये ऊपर का बनाया, पिछला पल्ला है ये। और ये दोनों तरफ तमोडे इस तरह कटा रखे हैं, गोल गला बनाऊंगी। और ये बनाया है आगे वाला पल्ला एक तरफ का, ये इतने फंदे डाले, इतने यहाँ तक के, यहाँ तक इसके आधे कर लिए। जैसे ये 6 अंतर हैं तो 38 फंदे बन गए। और 38 फंदे डाल कर 5 फंदे कम कर दिए, फिर 5 फंदे यूं कम करें, या पट्टी बनाई है जो 10 फंदे के हिसाब की बनी, मतलब 10 फंदे जितनी बनाई है या पट्टी, 5 फंदे तो इसी के ले लिए और 5 फंदे पट्टी में अलग तक डाले हैं ज़्यादा। और दूसरे पल्ला में भी इसी तरह 10 फंदे की के हिसाब की पट्टी बनाऊंगी, जिस तरह यह बनाई है। और यह पट्टी किस तरह बनाई है, बस ये पल्ला तो इतना बना था 33 फंदे का, 38 फंदे बने थे पीछे वाले के हिसाब था, आधे फंदे करने में 33 फंदे बनाए, फिर 38 बने थे, 5 कम कर दिए ये पट्टी के, और 5 और डाल के 10 की ये होगी, और 33 फंदे का ये हो गया। इसमें 5 फंदे मतलब ज़्यादा हो गए। और यह पट्टी बनाई है, यहाँ ये गड़ा घटा रखा है यहाँ तक, ये गड़ा यहाँ तक कम दिखाई दे रहा है वीडियो में। ये एक 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 करके फंदे घटा करें, जिस तरह या तो घटा लो या यूं के यूं सिलाई में उतार लो। ये मैं एक 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 करके सिलाई में उतार रही हूँ। और घटाना यहाँ तक शुरू कराया था, इसमें धागा लगा रखा है मैंने काले रंग का, ये देखो ये धागा लग रहा है, जो ये धागा लग रहा है यहाँ लग रहा है, ये धागा यहाँ तक घटाना शुरू कराया है अगला गड़ा। और देखने में ये यूँ दिख रहा है जैसे यहाँ तक घटाया हुआ नहीं है, ये घटाया हुआ है। फंदे फिर मैंने यूँ के यूँ सिलाई पर उतार लिए थे, एक 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 करके यहाँ तक घटा दिया। यहाँ लास्ट में जो डिजाइन बनाया है ये वाला, ये 4 फंदे का, ये 4 ही फंदे बचे थे घटाने के बाद सारे। और पट्टी के ये फंदे इस तरह बना रखे हैं, ये बॉर्डर 121 फंदे उठा के ये बॉर्डर बना रखे है। यहाँ जी देखो, अब ये हो गया एक साइड का अगला पल्ला और ये हो गया दूसरी साइड का पल्ला। अब जिस तरह ये बना रखा है इसी तरह ये बनाया है। और इसमें इस साइड पट्टी बनाई है, इसमें इस साइड पट्टी बनाएगी, और इस साइड मोढ़ा घटेगा इसका, जिस तरह यहाँ तक घटा रखा है 3 2। ये मोटा कटा था सीधी साइड तक 3 2, फिर आगे ये डिजाइन बना रखा है। 2 2 फंदे कटेंगे हर बार, हर चौथी सिलाई में कटेंगे ये 2 2 फंदे। और इस साइड बनेगा मोटा, पहले उल्टी में कटाने हैं, पहले 3 घटा लूँ, फिर घटाऊंगी 2, और फिर आगे ये डिजाइन बनेगा। और 3 फंदे देखो किस तरह घटाने हैं, 2 का 1 कर देंगे यूँ, फिर वापिस इसी में डाल लिया ये फंदा, फिर 2 का 1 2, फिर एक बार फिर इसी में डाल लिया 2 का 1, ये 3 फंदे कट गए हमारे। और अभी ये सारे फंदे उल्टे बना लेने हैं, ये सिलाई में उल्टी बना लूँ फिर दिखाऊंगी। थोड़ा सा और टूटी चल रही है, अब उल्टी सिलाई आएगी, उल्टी सिलाई उतार, सीधी सिलाई आएगी, सीधी सिलाई उतार लूँ फिर दिखाऊंगी। अब यह एक सिलाई होगी हमारी सीधी, 3 घटा दिए, फिर एक सिलाई ये सीधी उतार दी, सीधी में कुछ नहीं घटाना। अब फिर उल्टी सिलाई आ गई, उल्टी सिलाई में फिर घटा देंगे हम 2 फंदे, जिस तरह 3 घटाए थे ना, अब की बार ये 2 घटा देंगे, 1 और फिर 2 का 1, 2 फंदे अब घटा दिए। आगे सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। अब आ गई सीधी सिलाई, चौथी सिलाई। अब सीधी सिलाई में हमने यहाँ पर ये डिजाइन बनाना है जो ये बना रखा। अब सीधी में बनाऊंगी चौथी सिलाई में, यहाँ तक आ जाऊँ फिर दिखाऊंगी। अब जो ये डिजाइन बना रखा 6 फंदे का, 2 इस तरफ सीधे बना कर, फिर 4 का डिजाइन है। अब ये 6 फंदे बच गए हमारे, ये डिजाइन हमने किस तरह बनाना है। ये इस तरफ वाला तो यूँ बना था, ये पीछे वाला फंदा और ये फंदा, आगे की साइड 2 का 1 कर दिया था यूँ यूँ करके। एक बार ये बना के दिखाती हूँ, इस तरफ वाला तो इस तरह बनेगा, 2 का 1 कर दिया। अब ये फंदे दोनों चारों निकाल दिए और बीच के 2 फंदे पकड़ लिए, और आगे वाला पीछे वाला और आगे वाला देखो निकाल दिया।
अब इन दो फंदियाँ का एक कर देंगे। यहाँ हमारे दो फंदे कट गए, ये इस तरफ वाला तो यूँ बनया है। और अब इस तरफ वाला किस तरह बनाना है, ये थोड़ा सा अलग बनेगा, दोनों तरफ के अलग अलग बनेंगे। अब देखो ये किस तरह बनाने हैं, बनाना ही नहीं दो का है, एक इसका और एक इसका पीछे वाला का, दो बीच का जिस तरह इसमें बना था यूँ ही दो बीच के अलग, दो का एक करना है इसका और इसका करना है। इनका किस तरह करना हमने, ये फंदा हम यूँ पलट लेंगे थोड़ा सा, ये पलटने दें थोड़ी चैन बनी हुई अच्छी लगेगी। पहले वाले का और चौथे वाले का बनाना हमने वो किस तरह बनाना है, पहले हम बीच वाले दो फंदा का बना देंगे यूँ करके। बीच वाले दो फंदा का एक बना दिया, फिर तीनों निकाल के ये फंदा रख लिया और पहले का और चौथे का कर दिया दो का एक। अब देखो इस तरह बनेगा, ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ वाला इस तरफ जाएगा, देखो यूँ बनेगा ये। फिर आके ये दो फंदे जो ये हमने सीधे बनाने हैं। अब आगे उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। फंदे हमने मुड्ढा तीन एक बार घटा दिए, दो एक बार घटा दिए, आगे नहीं घटाने, बस ये चैन बना बना के घटाने हैं हर चौथी सिलाई में। अब ये उल्टी सिलाई उतार लूँ फिर बताऊँगी। अब सीधी एक सिलाई आ गई, हमने देखो पहले घटा दिया सीधी में, उल्टी सारे फंदे उल्टे बना दिए। अब फिर एक सीधी उतार लूँगी, इस सिलाई में नहीं घटाऊँगी, यहाँ तक सारे फंदे सीधे बना लूँगी, फिर एक उल्टी बना लूँगी। ये सिलाई उतार लूँ फिर दिखाऊँगी डिजाइन, फिर हमने आगे चौथी में बनाना है जिस तरह अब बनाया था। फिर एक तीसरी, एक ये चौथी, एक दो तीन, फिर चौथी सीधी में फिर बना देंगे। अब देखो ये सारे फंदे बना रही हूँ आपकी बार, इसमें डिजाइन नहीं बनाया। अब एक और सिलाई उल्टी उतार दूँगी। अब देखो एक में डिजाइन डाल लिया था सीधी में, फिर उल्टी उतार दी, फिर एक सीधी और उतार ली, फिर एक और उल्टी उतार ली। अब सीधी सिलाई में अब की बार डिजाइन डालेगा, देखो चौथी सिलाई पड़ेगी ये। अब देखो अब बनाऊंगी डिजाइन किस तरह बनना है। इस तरफ वाला तो पहले पीछे वाला और आगे वाले का दो का एक करांगे, फिर इन दो का एक करांगे। इस तरफ वाले में पहले बीच वाले दो का एक करेंगे, यूँ बीच वाले दो का एक, फिर ये तीनों फंदे इकट्ठे निकाल दिए। और ये पहले वाला देखो, ये इसका नहीं बनाया, बीच वाले दो का एक बनाया है, और ये फंदा यूँ पलट के इसका दो का एक कर देंगे। दो फंदे घटा दिए यहाँ, फिर ये दोनों फंदे सीधे बना दिए। अब ये चैन छः बना लूँ मैं, जैसे ये नौ बना रखे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बना के घटाया था और फिर ये साथ में धागा बांध दिया था। यहाँ तक इसी की सीध में तक गला घटाया था। अब ये छः बना लूँ, फिर गला किस तरह घटाना है वो दिखाऊंगी आपको। इस तरह घटेंगी ये, छः बना लूँ मैं। अब ये देखो छः घटाने के बाद ये गला घटा रखा है यहाँ तक, अब ये भी छः होगी हमारी, एक दो तीन चार पाँच छः। अब इस साइड तक गला घटाऊँगी, देखो किस तरह घटाना है। अगर आपने जैसे ये पट्टी वाले फंदे हैं, ये भी गला के फंदे उठेंगे यूँ हमारे, यूँ यहाँ बाजू जुड़ेंगी, ये टेढ़ा बना है, यहाँ बाजू के फंदे आएंगे घटा कर, पूरा बनाने के बाद बाजू बनेंगी और फिर गला बनाऊंगी, तब दिखाऊंगी ये कैसे बनेगा। यहाँ गला के फंदे उठेंगे, इस तरफ दूसरी पट्टी आ जाएगी, यूँ आएगा गला, फिर गोल गला। अभी यहाँ तक घटाऊंगी किस तरह घटना है। अब देखो पहले हम एक फंदा, या तो आप यूँ करके घटा लो, दो का एक कर दिया, या तो घटा लो आप यूँ, दो का एक कर दिया, एक फंदा घट गया यहाँ, या आप यूँ करो ये फंदे मैंने घटा नहीं रखे, यूँ छोड़ दिया ये फंदा। अब आगे उल्टी सिलाई उतारूँगी मैं, यहाँ तक आऊँगी, ये फंदा नहीं बनाऊँगी। अब एक छोड़ दिया, ये आगे बनाने लग रही हूँ सारे। अगली सीधी सिलाई में दो छोड़ दूँगी, फिर अगली सीधी सिलाई में तीन छोड़ दूँगी, इस तरह कर करके घटाने हैं। या तो घटा लो या इस तरह छोड़ छोड़ के कर लो, उठाने नहीं पड़ेंगे फिर फंदे, इस करके कर रही हूँ मैं यूँ। अब की बार नहीं घटेंगे ये, अब की बार सारे फंदे सीधे बनाने हैं। और अब आ गई उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में किस तरह बनाना है, सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। बिल्कुल आसान है ये बनाने में भी, सीधा तो है ही सारा, बस ये मुड़े मुड़े का थोड़ा बहुत डिजाइन है और गला
घटाओगे, देखो ये फंदे डाल रखे हैं, यूँ लगा है, थोड़ा हाथ तिरछा, थोड़ा तिरछा नहीं है ये, बिल्कुल यहाँ तक है ये वाला फंदा यहाँ तक यूँ है, यूँ घटा हुआ है ये देख है, इस तरह रहा आपने। घटा दोगे तो फिर वही गोलाई में दिखेगा, अब ये गला बनने के बाद पता चलेगा इस तरह उठ रहा है ये। अब की बार ये दूर तक बना दिया, सॉरी एक फंदा ये छोड़ देना था और एक फंदा ये छोड़ देंगे। अब आगे अगले फंदे बना देने हैं, ये दो छोड़ दिए, एक अगली बार तीन छोड़ दूंगी, फिर अब ये तीन और बनाने, छह बनाने के गला घटाए हैं, अब ये तीन और बनेंगे, दो दो चार, अब पहले बीच वाले दो का एक कर देंगे, ये तीनों निकाल के, ये पहला फंदा हमने घटाया नहीं था वैसे निकाला है आगे था ये, अब दो का एक, और फिर दोनों फंदे सीधे बना देंगे। अब उल्टी सिलाई उतार लूँ फिर दिखाऊंगे। अब ये तीन फंदे हो गए बिना बने, अब ये यहाँ तक बना लूँ फिर दिखाऊंगी आगे। अब देखो ये सारे फंदे एक 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 करके सीधी सिलाई में उतार दिए हैं, और ये फंदे बच गए अब दो और दो चार, अब इनका डिजाइन बना देंगे, और ये फंदे एक एक घटा दिए सारे, दो का एक और दो फंदे ये सीधे। अब ये नौवां डिजाइन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और उल्टी सिलाई में सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। चार सिलाई उतर रही हैं ये, अब ये पूरे हो गए फंदे यहाँ तक गट के, ये दो दो चार, चार ये डिजाइन के बच गए, और ये फंदे भी सारे हमारे गटे हुए हैं। अब ये चार फंदे एक बार फिर बना देंगे, पूरे जितना इसका डिजाइन पूरा हो रहा है इतना हो गया पूरा डिजाइन, देखो ये इस तरह बनेगा। और अब मैं इस तरफ के फंदे ठाक है, जैसे ये पट्टी बन रही है ये पट्टी बना दूं, फिर आगे गला बनाऊंगी और बाजू बनाऊंगी वो भी दिखाऊंगी आपको।